हे दोस्तों, आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा जैसा बहुत से लोगों के साथ होता है, जब लोग साल के एंड में डिसाइड करते हैं कि बस अब तो मैं इस न्यू साल से एक न्यू शुरुआत करूंगा, सब कुछ बदल दूंगा, खूब ज्यादा काम करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, बुक्स पढ़ूंगा, अच्छी डाइट करूंगा, और ऐसी अच्छी खासी लिस्ट होती है उनके पास जो ने इस न्यू साल में करनी होती है। लेकिन फैक्ट ये है कि ऐसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने वालों में से 92% लोग अपने रेजोल्यूशन कभी पूरे नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं। और इसका एक बड़ा रीजन है मूवीज का इन्फ्लुएंस, जहां हम देखते हैं कि एक हीरो होता है जो एकदम नॉर्मल सा होता है स्टार्ट में, बट फिर सडनली वो खूब मेहनत करता है और फिर 2-3 घंटे की मूवी खत्म होने से पहले तक वो चैंपियन बन जाता है, अमीर बन जाता है, या ऐसा कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लेता है। और यही 2 घंटे की मूवी में इतने फास्ट चेंजेस देखकर फिर हमें भी लगता है कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी खूब मेहनत करके बहुत कुछ जल्दी अचीव करूंगा, जो मैक्सिमम टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल, मुझे याद है जब मैंने कुछ साल पहले नेवर बैक डाउन मूवी देखी थी, तब मैंने डिसाइड कर लिया था पूरे जोश के साथ कि मैं तो कल से पक्का खूब सारी एक्सरसाइज करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो शायद मैंने एक दिन करी भी थी, बट फिर उसके अगले दिन ही मेरा पूरा मोटिवेशन खत्म हो गया था और मैंने आगे कंटिन्यू नहीं करा। ऐसे ही कुछ शायद आपके साथ भी कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो बेस्ट और बहुत इजी तरीका जिसकी हेल्प से हम इस न्यू ईयर में या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब से ही अपने आप के अंदर एक्चुअल रियलिटी में चेंजेस ला पाओगे, रेजोल्यूशंस पूरे कर पाओगे और लॉन्ग लास्टिंग हैबिट्स बना पाओगे जो हमारे गोल्स को पूरा करके सक्सेस देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्टुपिड स्मॉल। ऑथर ने भी एक बार डिसाइड किया था कि वो हर दिन आधे घंटे वर्कआउट करेंगे, लेकिन बहुत एफर्ट और मोटिवेशन यूज करने के बाद भी वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे और अपने इस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे थे। सो फिर उन्होंने एक दिन क्या डिसाइड किया कि आज मैं आधे घंटे वर्कआउट करने के बजाय बस एक पुशअप करूंगा और कुछ नहीं। सो बस उन्होंने ये डिसाइड करके पहला पुशअप किया एंड अपना उस दिन का गोल अचीव कर लिया। लेकिन क्योंकि उन्हें एक पुशअप बहुत इजी लगा तो उन्होंने फिर एक और पुशअप किया और फिर एक और ऐसे ही करते करते उन्होंने कुछ अच्छे मिनट्स की एक्सरसाइज कर ली। तब ये करने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आई, उन्हें समझ आया कि हम नॉर्मल लोगों का अपने गोल्स को अचीव करने का जो अप्रोच है वो गलत है, और सच में अगर हमें कुछ अचीव करना है तो बेस्ट ये है कि हम स्टार्ट में अपने लिए एकदम स्टुपिड स्मॉल गोल सेट करें। एग्जांपल, अगर आपका गोल है कि आपको हर दिन 1 घंटे बुक पढ़ने की हैबिट बनानी है, तो आप स्टार्ट में ही 1 घंटे बुक पढ़ने का गोल मत रखो, बल्कि बस एक पेज या बस एक पैराग्राफ पढ़ो, दैट्स इट। उतना भी नहीं होता तो उससे भी स्टुपिड, बस एक लाइन पढ़ने का गोल रखो और उसकी हैबिट बनाओ उसे रोज करके। देखो, यहाँ एम यह है कि आपका गोल इतना छोटा होना चाहिए कि आपके फेल होने के चांस एकदम जीरो हो। यूजुअली लोग स्टार्ट में ही ज्यादा चीजें ट्राई करने लगते हैं जिसके लिए बहुत विल पावर और एनर्जी चाहिए होती है, जो उन्हें पसंद नहीं आती और खराब फील कराती है। जबकि अगर वो स्टुपिड स्मॉल गोल सेट करेंगे और उसे रोज पूरा करेंगे तो ऐसा करने से उन्हें अच्छा तो फील होगा ही, पर साथ ही साथ उनकी एक स्ट्रांग हैबिट भी डेवलप हो जाएगी। इसीलिए ट्राई करो कि आपके स्टार्टिंग के हर दिन के गोल 1 मिनट से 5 मिनट में ही खत्म हो जाए, मतलब बस 1 मिनट बुक पढ़ना, 1 मिनट वॉक करना, एक्सेट्रा। ये सिंपल सी चीज आपको एक पक्की हैबिट फॉर्म कराते हुए कुछ बड़ा करने के लिए रेडी कर देगी। नंबर 2, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको पता ही होगा, जो ये बोलता है कि द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड द ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन स्टेज इन मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। एग्जाम्पल, अगर एक बॉल जमीन पे रखा है तो वो वहीं रखा रहेगा बिना हिले डुले, जब तक उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि किक या तेज हवा नहीं लगती। वहीं दूसरी तरफ अगर आप स्पेस में एक बॉल को किक मारोगे तो वो मोशन में आके दूर और दूर जाता ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि ग्रेविटेशनल पुल उस पर नहीं लगती या ऐसा कुछ। अब ये लॉ और हमारे हैबिट का रिलेशन कुछ ऐसा है कि नॉर्मली साइंस के हिसाब से जब हम आराम कर रहे होते हैं तब हमारे लिए रेस्ट मोड पे रहना ही इजी और नेचुरल होता है, पर अगर हमें कुछ एक्शन लेना है तो हमें मोशन मोड पे आना जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि रेस्ट स्टेट से मोशन स्टेट पे आना सबसे मुश्किल पार्ट होता है इस इक्वेशन का, इवन फिजिक्स के हिसाब से। एग्जाम्पल, जब एक रॉकेट स्पेस में जाती है अर्थ से तो उसका मैक्सिमम फ्यूल स्टार्ट में ही यूज होता है, लेकिन एक बार जब वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से निकल जाती है तो उसके लिए स्पेस में मूव होना बहुत इजी होता है। अब मिनी हैबिट्स की खास बात यह है कि ये हमारा रेस्ट से मोशन मोड पे आना बहुत आसान कर देती है। क्योंकि देखो, अगर आप रेस्ट मोड पे रहते हुए ये डिसाइड करोगे कि मुझे अब उठ के आधे घंटे वर्कआउट करना है या आधे घंटे बुक पढ़नी है, तो ये करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं, मुझे बस एक पुशअप करना है या एक पैराग्राफ पढ़ना है, तो ये ऐसा होगा जैसा 0 से 1 पे जाना, जो आसान है काफी, बजाय डायरेक्ट 0 से 100 पे जाने के। और यही मिनी हैबिट की खास बात है जो हमें रेस्ट से मोशन मोड में लाने के लिए बहुत बेस्ट है बिना ज्यादा एनर्जी लगाए। ऊपर से जब हम छोटे एक्शंस लेके मोशन स्टेट में आते हैं और छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करते हैं, तब हमें विनर जैसा फील होता है, हमारे ब्रेन को पॉजिटिव अफर्मेशन मिलते हैं, जो किसी भी हैबिट को परमानेंट बनाने के लिए बहुत जरूरी है, और जैसा मैंने अपने एक वीडियो में प्लेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल बताते हुए भी एक्सप्लेन किया है। नंबर 3, ईगो डिप्लेशन। आपको पता ही होगा कि हमारा विल पावर एक बैटरी जैसा होता है, जो स्टार्ट में तो फुल रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो यूज होने लगता है अलग अलग काम के लिए, वैसे वैसे वो खत्म होने लगता है, और तब हमारा ज्यादा विल पावर लेने वाले काम को करना बहुत मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, समझो आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है कि मैं हर दिन हाफ एन आवर मेडिटेशन करूंगा,
अब अगर समझो एक दिन ऐसा आ जाएगा जहाँ आपको सुबह से कहीं बाहर जाना होगा और बहुत काम होगा थकान से भरा, तो वो करने के बाद फिर जब आप घर आओगे तो आपके अंदर जरा भी हिम्मत नहीं होगी कि आप फिर वो आधे घंटे मेडिटेशन या एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि इतना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए विल पावर की नीड होगी जो आपके अंदर बची ही नहीं होगी। जबकि दूसरी तरफ मिनी हैबिट की अच्छी बात यह है कि इसे कंप्लीट करने के लिए आपको ना के बराबर विल पावर की जरूरत होती है, और आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो आप वो छोटे गोल्स कंप्लीट कर ही लोगे। एग्जाम्पल, हाफ एन आवर के बजाय अगर आप बस 30 सेकंड मेडिटेशन करने का सोचोगे तो आप थके से थके दिन में भी कर लोगे, जिससे आपकी आदत कभी नहीं टूटेगी। जो लाती है हमें मिनी हैबिट की तीसरी अच्छी बात पे, जो है नंबर 4, कंटिन्यूटी। अभी आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हैबिट्स क्रिएट करने के लिए या रेजोल्यूशंस पूरे करने के लिए आपको स्टूपिड स्मॉल चीजें करनी होगी, लेकिन ये आपको कब तक करना चाहिए, कब तक आप उसे करोगे तो आपकी एक परमानेंट आदत बन पाएगी। वेल, कुछ लोग बोलते हैं कि हैबिट फॉर्म करने के लिए 21 दिन लगते हैं, कुछ बोलते हैं 30, पर एक्चुअल में ये सच नहीं है, क्योंकि 21 डेज की थ्योरी तब फैली थी जब मैक्सवेल नाम के डॉक्टर को पता चला था कि जिन लोगों के हाथ एक्सीडेंट में कट जाते हैं उनको बिना हाथ के रहने की आदत होने के लिए इतना टाइम लगता है। पर ये चीज आप ही सोचो, नॉर्मल हैबिट बनाने से कितनी डिफरेंट है, इसीलिए 21 दिन सोचना सही नहीं है। एक और रिसर्च से पता चला था कि कोई न्यू आदत बनाने के लिए लोगों को ऑन एवरेज 66 डेज लगते हैं, पर अगेन जो लोग पे रिसर्च करी गई थी वो सबके नंबर्स काफी डिफरेंट थे। मतलब उस रिसर्च में किसी को बस 18 दिन लगे थे, जबकि किसी को 245 डेज तक लगे थे एक हैबिट बनाने के लिए। सो ये तो हो गई समझो बैड न्यूज, पर गुड न्यूज ये है कि मिनी हैबिट्स इतने सिंपल और छोटी होती है कि आपको वो कंप्लीट करने के लिए दिन गिनने की नीड ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो आप एक लाइन रोज पढ़ने का टाइम तो निकाल ही सकोगे, एक पुशअप तो कर ही लोगे चाहे कितने भी थके हुए या बिजी क्यों ना हो। इसलिए हैबिट्स फॉर्म होने की सबसे मेन चीज मतलब कंटिन्यूटी का टूटना यहाँ पॉसिबल नहीं है, जो आपको परमानेंट हैबिट तक पहुंचने में हेल्प करेगा और सक्सेस देगा। नंबर 5, इमोशनल पुश। एक लड़का था जो बहुत स्वीट चीजें खाता था, हर दिन कई चॉकलेट्स और मिठाइयाँ, जिससे उसका वजन बहुत बढ़ने लगा था। सो उसने डिसाइड किया कि वो अब से चॉकलेट को बंद कर देगा और मीठा भी नहीं खाएगा, और यही उसका न्यू ईयर रेजोल्यूशन था। अब न्यू ईयर आने के बाद उसने बहुत कोशिश की पर उससे रहा नहीं गया, और उसने एक दिन वापस चॉकलेट खा ही ली, पर ये करने के बाद उसे बहुत बुरा लगा और फिर इमोशनली उसने डिसीजन लिया कि नहीं, ये सब मेरे बस की बात है ही नहीं, मैं मीठा खाना बंद नहीं कर सकता और नहीं छोड़ सकता। जिसका रिजल्ट फिर ये निकला कि उसने मीठा खाना नहीं बंद करा और वो और मोटा होता गया और उसे कई बीमारियां होने लगी। ज्यादातर टाइम ऐसा होता है कि जब लोग बड़े या मीडियम गोल सेट करते हैं स्टार्ट में हर दिन करने के लिए, तो वो उसे कर नहीं पाते ऊपर बताए बहुत सारे रीजंस की वजह से। सो इससे क्या होता है कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, उनका अपने ऊपर भरोसा कम होने लगता है, और वो फिर और ज्यादा सोचते हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता, जिसके बाद फिर वो पूरे साल अगेन ट्राई भी नहीं करते। जबकि मिनी हैबिट्स लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए उन्हें छोटे गोल सेट कर उन्हें अचीव कराने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल, अगर वो लड़का ये डिसाइड करने के बजाय ऐसा डिसाइड करता कि नहीं मैं डायरेक्ट तो मीठा नहीं छोड़ सकता, लेकिन चलो मैं रोज 3 चॉकलेट खाने के बजाय बस 2 खाऊंगा आपसे, तो उसके लिए ये करना ईजी होता, और जब वो 1 चॉकलेट कम खाता तो उससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता, अपने ऊपर बिलीव बढ़ता कि हाँ मैं छोड़ सकता हूँ मीठा, और फाइनली ज्यादा चांस हो जाते कि वो मीठा छोड़ भी देता, जो कॉन्फिडेंस किसी भी हैबिट को खत्म करने के लिए या बनाने के लिए बहुत जरूरी है। आप खुद ट्राई करो ये वीडियो खत्म करने के बाद, बस एक पुशअप करने का, या बस एक लाइन किसी बुक को पढ़ने का, या बस 30 सेकंड मेडिटेट करने का, या जो भी आपको रोज करना है उसका छोटा सा गोल सेट करो, देन अभी फौरन जाके उस स्टूपिड स्मॉल गोल को कंप्लीट करो। देखो ये करके आपको फौरन थोड़ा अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। बस ऐसे ही आपको आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी बनाना है स्टूपिड स्मॉल, जिसमें फेल होना इम्पॉसिबल हो, जो आपको धीरे धीरे बड़ी हैबिट्स बनाने में हेल्प करेगा और सक्सेस भी देगा। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें एक बहुत ही अच्छी बुक मिनी हैबिट बाय स्टीव